लोग पढ़े थे कि जल में अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, विद्युत धारा आई को विद्युत धारा सूचित करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाता है, हो जाता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड प्लेट पर मुक्त होती है, कैथोड प्लेट पे, एंड ऑक्सीजन गैस एनोड प्लेट पर मुक्त होती है। तो कैथोड एनोड, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के तहत देख लेते हैं कि क्या सच में गैस उत्पन्न होता है कि नहीं उत्पन्न होता है। तो इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ये आपको दिख रहा होगा कि ग्लास में पानी रखा हुआ है एंड ई दू को हम का की पेंसिल लिए है। अब आपको गौर कीजिए तो अंदर से कुछ बुलबुला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब क्या करें कि इन्हीं दोनों का आराम से हम डाल देते हैं, इसमें डाल दिए और इससे धारा प्रवाहित करेंगे। तो आप पेंसिल के जो नोक है इस पर बुलबुला से जैसा कोई चीज नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे इसमें टच करेंगे तो आपको बुलबुला उत्पन्न होता हुआ दिखेगा। बुलबुला अंदर से तभी उत्पन्न होगा जब कोई गैस होगा। अभी बुलबुला दिख रहा का जी? नहीं। अब हम करें, यहाँ पे टच करें, बैटरी में जानना है, देखते रहना, ठीक है। अगर डिस्चार्ज होगा तब तो गड़बड़ होगा, नहीं हो रहा है यार, अगर बैटरी बड़ा वाला रहता तो बहुत अच्छे से होता, हो तो रहा यार। ये बिना के आदमी आ गया मेरे पास, नहीं हो रहा तरफ चाहिए, दिख रहा है तुम लोग यार। जो एक क्षण से उत्पन्न हो रहा है ऑक्सीजन गैस, अब एक क्षण पर हाइड्रोजन गैस।